हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफी दिनों से मेरी क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ वजह थी जिस कारण से अपनी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी सब लोग एक बार क्लास को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सभी लोग एक बार क्लास में आ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग आज की अपनी जो क्लास है ये स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई जल्दी जल्दी सब लोग एक बार क्लास में आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। एमपीजी के महत्वपूर्ण सेशन होगा हमारा, प्रीलिम्स की दृष्टि से, एमबीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आयोग और साथ ही साथ एमपीजीके के एमसीक्यूज डेली करते हैं। वही एमसीक्यूज हम लोग आगे कंटिन्यू आज करने वाले हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ पे। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड, क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया। ऑप्शन है 1966 में स्थापित किया गया था, 1968 में स्टैब्लिश किया गया था, 1961 में किया गया था, या 1964 में किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए और जल्दी से सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा, है ना। चलो भाई एवरीवन, जल्दी जल्दी सब लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बताना है। चलो जल्दी से सब लोग आंसर करिए और राइट आंसर बताते जाएंगे यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं करा है, एवरीवन सब लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, है ना। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश में प्रथम प्लाईवुड कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया। अब देखिए प्रथम प्लाईवुड कारखाने की अगर हम बात करते हैं ना, तो जिस वर्ष आपकी भेल स्टैब्लिश हुई थी, किस वर्ष, जिस वर्ष यहाँ पर भेल स्टैब्लिश हुई थी, मतलब अगर हम भेल की स्थापना की बात करते हैं, तो जिस वर्ष भेल की स्थापना की गई थी उसी वर्ष अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्लाईवुड कारखाना भी क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज के फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1964 यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जल्दी से सब लोग यहाँ पे लगा लीजिएगा। और प्लाईवुड कारखाना कहाँ पर है ये मैं आपको बता दूं, तो इटारसी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इटारसी में मिलेगा। इटारसी की एक और खासियत बता दें, इटारसी कौन से जिले में आता है, ठीक है। तो इटारसी आता है आपका होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर आएगा, इटारसी आता है होशंगाबाद जिले में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इटारसी आ जाएगा आप लोगों का होशंगाबाद जिले में। और हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा आज का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में थोड़ी बहुत और चीजें। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो आपका छिंदवाड़ा है, ठीक है ना, छिंदवाड़ा है और बैतूल है, तो छिंदवाड़ा और बैतूल ये जो दोनों हैं जिले, इनको देखिएगा, एक जिला हो गया आपका छिंदवाड़ा और एक जिला हो गया कौन सा हमारा, बैतूल। छिंदवाड़ा प्लस बैतूल, ये जो दोनों जिले हैं, ये दोनों जिलों फेमस क्यों हैं, इनकी बात करूं तो प्लाईवुड नक्काशी लकड़ी का कारखाना यहाँ पर है। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा रेडी, प्लाईवुड 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 नक्काशी, है ना, प्लाईवुड नक्काशी लकड़ी का कारखाना यहाँ पर स्थापित है। प्लाईवुड नक्काशी लकड़ी का कारखाना, ध्यान रखिएगा, लकड़ी का कारखाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। प्लाईवुड नक्काशी लकड़ी का कारखाना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए आप लोग इनको जरूर से याद रखिएगा। आगे चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे आंसर लगाइएगा आप सभी लोग, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना स्थापित किया जाएगा। यार देखो आप लोगों के लिए एमबीपी के ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमबीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं ना, यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए एमपीजी के ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर प्रीलिम्स पास करना है तो सबसे ज्यादा जो रोल है किसका है, एमपीजीके का ही है, ठीक है। तो ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपसे एमपी के क्वेश्चन सही हो, है ना। आपसे अगर ज्यादा से ज्यादा एमपी बनेगा तो आप लोग यहाँ पे परीक्षा पास कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक से डीजल बनाने के कारखाने की, तो प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना कहाँ पर है, ये विदिशा जिले के अंतर्गत है, ठीक है, विदिशा जिले के अंतर्गत जंबर बागरी, कौन सा है ये क्षेत्र, जंबर बागरी करके ये क्षेत्र है, यहीं पर विदिशा जिले में जंबर बागरी के अंतर्गत ये क्षेत्र आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पे आपको मिलेगा क्या, मध्य प्रदेश का विदिशा जिले के अंतर्गत जंबर बागरी क्षेत्र है जहां पर प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना है, ठीक है ना। पर किसका, प्लास्टिक से डीजल बनाया जाता, तो प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 26 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट प्लानिंग बोर्ड।
निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? अब देखिए योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है, तो योजना मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? तो योजना मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, आपको पता है एक बात। तो अगर मुख्यमंत्री योजना मंडल के अध्यक्ष है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो राइट ऑप्शन लगाना है वो आंसर है ऑप्शन जैसे प्रकाश चंद्र सेठी, अर्जुन सिंह, रविशंकर शुक्ल और भगवंत राम मंडलोई। इस प्रकार से आपके पास में इतने विकल्प है, इन्हीं विकल्पों को देखकर आप लोगों को यहाँ पे इसका उत्तर लगाना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ये जो योजना मंडल है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल, ये एस्टैब्लिश कब किया गया है ना, 1972 की बात है। 1972 में मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल 1972 में एस्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। एक और बात है यहां पर कि जो मुख्यमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये आपको मैंने बताया हुआ है। क्या है? जो सीएम होंगे यही सीएम क्या होंगे? इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। पदेन अध्यक्ष मतलब अगर कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो साथ ही साथ उन्हें एक और पद मिल जाएगा, कौन सा? राज्य योजना मंडल का, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके अगर बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष तो आप लोग लगा लोगे कि साहब प्रकाश चंद्र सेठी है। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी लोग इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें क्या बता सकते हैं? अभी वर्तमान अध्यक्ष के लिए अगर बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष मतलब सीएम, सीएम मतलब कौन? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, तो आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो इसका वर्तमान अध्यक्ष भी हो गया। अब इसी प्रकार से अगर हम इसके बात करते हैं, इसके नवीन नाम की बात करते हैं, इसका अभी नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो नाम परिवर्तित किया गया है, हम इसका नवीन नाम भी देख लेते हैं। चूंकि जो मध्यप्रदेश राज्य योजना मंडल है इसका नवीन नाम परिवर्तित करके रख दिया गया, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। क्या रखा गया है? मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, याद रखिएगा, नीति एवं योजना आयोग, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले हमने कहा एस्टैब्लिशमेंट ईयर, तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर कब का है? 1972 का है। सीएम कौन होंगे? तो पदेन अध्यक्ष जो भी होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सीएम हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, है ना, वर्तमान अध्यक्ष हो गए, नवीन नाम हमने देख लिया कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग इसका क्या है? नवीन नाम है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते जाइएगा, ठीक है। एक्चुअली अभी मुझे क्या है, कॉमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, है ना, प्रयास कर रहा हूँ मैं कॉमेंट देखने के लिए कि कुछ ऐसा सिस्टम लगा दूं जिससे मुझे कमेंट्स दिखाई दे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे प्रयास में लगा हुआ हूँ कि आप लोगों को कमेंट्स दिखाई दे। फिलहाल हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था? मतलब इकलौते मुख्यमंत्री, बड़ी बात है, उनका अलग दबदबा रहा होगा, अलग चीजें रही होंगी, अलग जलवे रहे होंगे, है ना, इसीलिए इनके खिलाफ, आपके खिलाफ 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ 5 बार लाया गया। तो आपका नाम क्या है? जैसे सुंदरलाल पटवा है, अर्जुन सिंह है, मोतीलाल वोरा है, श्यामचरण शुक्ल है, इस प्रकार से 4 विकल्प है आपके पास में, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से बताइएगा राइट ऑप्शन क्या होगा। आप 1977 की बात है, आप 1977 में, 1977 में अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, है ना, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, आप बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, है ना, अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, ठीक है, बहुत नामी गिरामी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़े नेता आप रहे हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, है ना, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका नाम क्या है, कौन थे वो व्यक्ति, है ना, तो ये है, 3 बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, क्या, कितने बार? 3 बार एमपी के सीएम भी रहे हैं, क्या है, 3 बार एमपी के आप सीएम भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप 3 बार एमपी के सीएम रहे हैं तो अगर आप लोग नाम बताना चाहें तो नाम बता सकते हैं, लाइक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अर्जुन सिंह साहब, क्या हो जाएगा, अर्जुन सिंह साहब यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो अर्जुन सिंह यहाँ पर सही विकल्प बनेगा। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक बार हम लोग देखते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन को। जैसे भोपाल में स्थित प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है, जो प्रशासनिक राज्य सचिवालय है इसका क्या नाम है, ठीक है, तो कमेंट करेंगे और सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो प्राचीन राज्य सचिवालय है इसका क्या नाम है। अगर कमेंट नहीं कर सकते, है ना, देखिए अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं तो एटलीस्ट कमेंट तो कर सकते हैं ना,
ना, अगर आप लोग क्लास देख रहे हो तो एटलीस्ट कमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करिए और राइट ऑप्शन इसका बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा ना। किसी ने भी आंसर नहीं करा है अभी तक। अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं, भोपाल में स्थित तो प्रशासनिक राज्य सचिवालय का नाम क्या है? जो प्रशासनिक राज्य सचिवालय है इसका नाम है वल्लभ भवन। प्लीज याद रखिएगा इसका नाम क्या है, वल्लभ भवन। वल्लभ भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, वल्लभ भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी वर्क होगा सारा का सारा यहीं पर होता है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो पूरा यहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन जो होगा, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रश्न की तरफ देखते हैं। कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 है, लिखा हुआ है चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है। अब देखो पंचायती राज सिस्टम भी है हमारे सिलेबस में, है ना, तो चुनाव परिणामों की घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है? बताइए कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है, है ना। तो राइट ऑप्शन लगाना है आपको, 7 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, या कितना, 15 दिन के भीतर। चार विकल्प है हमारे पास में। देखिए जो पंचायत की पहली बैठक की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, चुनाव परिणामों की जो घोषणा होती है, घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाती है ना, तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 30 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर जब भी पंचायत की पहली बैठक बुलाई जाएगी तो कितने दिनों के भीतर बुलाई जाएगी? अगर चुनाव की तिथि हो गई है तो चुनाव की तिथि हो जाने के 30 दिनों के भीतर पंचायतों की बैठक बुलाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अंकुर योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो अंकुर योजना है ना, अंकुर योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आप लोगों को आंसर करना है। 22 मई 2020, 22 जून 2020, 22 मई 2021 और 22 जून 2021, ऐसे चार विकल्प हैं हमारे पास में, तो प्लीज आंसर करिएगा और राइट ऑप्शन बताइएगा। अंकुर योजना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, चार विकल्प है, कमेंट करना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको अंकुर योजना की शुरुआत की बात कर देता हूँ, है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। सीएम मतलब कौन? शिवराज सिंह चौहान थे, है ना, रहे शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान, है ना, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ही यहाँ पर अंकुर योजना की शुरुआत की गई थी। और बात करें अगर 22 मई, है ना, कब बात करें 22 मई 2021 की बात करें, तो 22 मई 2021 को अंकुर योजना की शुरुआत की गई थी। अब एक चीज और है, है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य का कोई भी अगर निवासी है, कोई भी नागरिक है यहाँ पर, तो इस योजना में जो अंकुर योजना है इसके अंतर्गत क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है वृक्षारोपण में। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृष्णायन, कृष्णायन व द सर्च फॉर लंका किसकी रचना है? एक है जैसे कृष्णायन और एक है, कृष्णायन एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ये महाकाव्य ही है। क्या है? कृष्णायन महाकाव्य है। अब महाकाव्य की बात करोगे साहब, महाकाव्य क्या होता है, तो जिस भी मतलब ऐतिहासिक घटना हो अपने आप में, जिसका नायक उदार चरित्र वाला हो, है ना, या फिर अगर कहा जाए कि नायक का अंत ना दिखाया जाए, जिसमें 7 सर्ग से ज्यादा सर्ग हो, वो क्या कहलाएगा? महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, 8 या 8 से ज्यादा सर्ग हो वो महाकाव्य कहलाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो कृष्णायन है, कृष्णायन भी हमारा क्या है? महाकाव्य है। द सर्च फॉर लंका ये भी क्या है? हमारा महाकाव्य है, है ना। फिर इंडिया मार्च टू फ्रीडम, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया मार्च टू फ्रीडम या द सर्च फॉर लंका, इन सभी की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन होगा इसका सही उत्तर, कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जैसे कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा, द्वारका प्रसाद मिश्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? द्वारका प्रसाद मिश्र बन जाएगा। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र बन जाएगा। द्वारका प्रसाद मिश्र साहब की अगर बात करते हैं तो 2 बार आप मध्य प्रदेश के सीएम रहे, दो बार एमपी के सीएम रहे, कहाँ के? 2 बार एमपी के सीएम रहे हैं। ध्यान रखिएगा डीपी मिश्र या द्वारका प्रसाद मिश्र के नाम से जाना जाता है ना। एक और बात है, मध्य प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्म हुआ था, है ना, ये एमपी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनका मध्य प्रदेश के बाहर जन्म हुआ था। इस प्रकार से ये फैक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा। हम बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कॉमेंट्स देख लेते हैं कि क्या आप लोगों में से कोई कॉमेंट कर भी रहा है अथवा नहीं कर रहा है ना, एक बार देख लिया जाए कि क्या सच में कॉमेंट वोमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहा शायद, कोई कॉमेंट नहीं कर रहा है यार, कमेंट कर लिया करो। मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करने से आपके शायद यहाँ पे, है ना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं? जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षर जिले कौन से हैं?
है, कमेंट करना और बताना है जनगणना 2011 मतलब 2011 के सेंसस की यही अभी बात होगी। तो 2011 सेंसस के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक चीज पता है, बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पर है, 81.1%। कितना है? 81.1% है यहाँ की साक्षरता, है ना, 81.1% यहाँ की साक्षरता है। और इसे कहा गया है, कौन सी नगरी कहा गया है, तो विनोबा भावे ने इसे नाम दिया है। बताइए जरा कमेंट करके कौन सी नगरी नाम दिया है। जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर के बाद में कौन सा है, इंदौर है। इंदौर की बात करेंगे तो 80.9% है, 80.9% यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंदौर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो 80.4% किसका है, भोपाल का है, 80.4%। और यहाँ पे 81.1% यहाँ पे है जबलपुर का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे आप देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले ये हो गए। और अगर मान लीजिए कि बिलो मतलब न्यूनतम साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम न्यूनतम की अगर बात करते हैं, तो अलीराजपुर जो है ना सबसे कम साक्षर जिला है। अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अलीराजपुर के अलावा हम बात करते हैं झाबुआ की तरफ बढ़ते हैं, कहां पर, झाबुआ में। तो झाबुआ का भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, अलीराजपुर झाबुआ, और झाबुआ के बाद हम बढ़ेंगे तो कहां आ जाएंगे, बड़वानी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अलीराजपुर झाबुआ और बड़वानी, अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो 36.1% अलीराजपुर का है, जो कि ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है, पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे अगर इसके हम लिटरेसी रेट की बात करें तो 43.3% यहाँ पे लिटरेसी रेट इसका मिलेगा। नेक्स्ट वन बड़वानी, बड़वानी का 49.1% यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट मिल जाएगा। इस प्रकार से इतना साक्षरता दर यहाँ पे मिलेगा जो न्यूनतम है, और अधिकतम वाला जबलपुर, इंदौर और भोपाल। तो जबलपुर मतलब कितना हो जाएगा, 81.1%, इंदौर हो जाएगा 80.9%, और भोपाल हो जाएगा 80.4%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कोर्ट लोकेटेड। आंसर बताना है मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय किस जगह पर है, ये आंसर करना है। मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय का मुख्यालय बताइए, ठीक है। अब देखिए जैसे इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं, तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, धार है, इंदौर है ना, धार है, इंदौर है, फिर जबलपुर है या भोपाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी ये टॉप पे है, एग्रीकल्चर लैंड भी है, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बड़ा समृद्ध क्षेत्र है ये, है ना, बड़ा ही समृद्ध क्षेत्र है ये। तो आप लोग यहाँ पे आप आंसर लगा सकते हो, एडुकेशनल हब है वर्तमान में मध्य प्रदेश का, और पहले भी रहा है, ठीक है, एडुकेशनल हब है ये, और वर्तमान में पहले भी रहा है ये एडुकेशनल हब। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो आंसर लगाते हैं, तो इंदौर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, तो भैया इंदौर इसका राइट ऑप्शन हमारा बनेगा, है ना। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल जो हेडक्वार्टर है ये भी इंदौर ही है। कैपिटल अगर बात करते हैं, कैपिटल के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो कैपिटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, स्पोर्ट्स कैपिटल है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो क्लॉथ कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कैपिटल है, क्या है, इंडस्ट्रियल कैपिटल तो है ही, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो शेयर मार्केट कैपिटल है, क्या है, शेयर मार्केट कैपिटल है, ठीक है, शेयर मार्केट कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे और बात करते हैं, तो जैसे स्पोर्ट्स कैपिटल, क्रॉप कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल, शेयर मार्केट कैपिटल, बिजनेस कैपिटल, तो इस प्रकार से अन्य राजधानी भी है, यही हमारी कौन सी, इंदौर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। आज का 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तवा आयाकट योजना किस जगह से संबंधित है, कौन सी, तवा आयाकट स्कीम इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट, रायपुर, भोपाल, मुरैना और होशंगाबाद। चार विकल्प है हमारे पास में, इनको देखिए और आंसर लगाएगा, क्या आंसर हो जाएगा। तवा आयकट योजना मध्य प्रदेश के किस जिले की परियोजना है, ना किस जिले की, एक प्रकार से ये सिंचाई परियोजना है। तवा नदी, तो तवा से किससे संबंधित है, सिंचाई से संबंधित परियोजना है। ऑब्वियसली जब तवा का नाम आ जाएगा तो तवा के लिए, तवा के लिए कौन से जिले में आप जाओगे, स्वाभाविक है रायपुर जिला, भोपाल जिला, मुरैना जिला और होशंगाबाद जिला। इतने हैं अपने पास में ऑप्शन, तो आप लोग विकल्प लगा सकते हो, देखिए और विकल्प बताइए। ठीक है, देखिए तवा आयाकट योजना की अगर हम बात करते हैं, होशंगाबाद जिला, कौन सा जिला, होशंगाबाद जिला, ठीक है। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, होशंगाबाद जिले में ही होती है। होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया, क्या कर दिया गया, नर्मदापुरम कर दिया गया है। होशंगाबाद में ही अगर हम बात करते हैं माथालाल चतुर्वेदी साहब, तो माथालाल चतुर्वेदी साहब का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को, कहां, होशंगाबाद के बाबाई ग्राम में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और अब बाबाई ग्राम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है। तो ये फैक्ट्स भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, यही है क्या? मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त फिर है, मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त नंदन दुबे, है ना, उप लोकायुक्त की बात कर रहा है नंदन दुबे। अच्छा फिर अब ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों ही गलत है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा जल्दी से देखिए और राइट ऑप्शन आप लोग बनाइए। राइट ऑप्शन क्या होगा देखिए, अगर हम यहाँ पे लोकायुक्त की बात करते हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आया करता है यहाँ पर, लोकायुक्त की नियुक्ति, लोकायुक्त पूरा आर्टिकल है ना, पूरा तो मेंस में है ही अपने, लोकायुक्त की नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करेगा सर, तो लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल महोदय करेंगे, कौन करेंगे साहब, तो राज्यपाल महोदय के द्वारा लोकायुक्त की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त विभाग की स्थापना कब की गई, मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की जो स्थापना की गई 1981 में की गई थी, कब की गई थी 1981 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना की गई, कहां, मध्य प्रदेश लोकायुक्त कब स्थापित किया गया, 1981 में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, तो मध्य प्रदेश लोकायुक्त की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो ये 1981 में एस्टैब्लिश किया गया था। एक और बात है, मध्य प्रदेश के प्रथम उप लोकायुक्त की बात करते हैं तो ये रघुनाथ भावे हैं, है ना, कौन है, रघुनाथ भावे, नाम याद रखिएगा, रघुनाथ भावे हैं, ठीक है, रघुनाथ भावे हैं। अब बात आती है यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इसके ए बी सी डी इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो केवल और केवल कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित ही है और कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, फिर प्रथम पुलिस महानिदेशक, निदेशक, निदेशक में दा आता है याद रखिएगा तभी आपसे यहाँ पे आंसर इसका बन पाएगा, निदेशक में दा आता है बस इतना याद रखिएगा तभी आपसे ये चीजें बन पाएगी, अन्यथा नहीं बनेंगी, ठीक है, निदेशक में दा आता है, अगर आपने निदेशक का दा देख लिया तो आपसे आंसर बन जाएंगे, ठीक है, तो चलें भैया आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम पुलिस महानिरीक्षक की, तो निरीक्षक कौन है, निदेशक कौन है, फिर प्रथम महाधिवक्ता कौन है, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रथम महाधिवक्ता कौन है, इस प्रकार से सारे के सारे आंसर आप लोगों को बताने पड़ेंगे। जैसे प्रथम महाधिवक्ता कौन है, अच्छा वाईएस धर्माधिकारी दिया है, फिर प्रथम मुख्य सचिव कौन है, है ना, प्रथम मुख्य सचिव, तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे आंसर लगाना है। जैसे अगर हम बात करते हैं मुख्य सचिव आरपी नरोन्हा, है ना, अगर ये कह रहा है तो आरपी नरोन्हा दूसरे मुख्य सचिव थे जिनके नाम पे प्रशासनिक अकेडमी भोपाल का नाम रखा गया है, जो प्रथम मुख्य सचिव थे इनका नाम था एच एस कामत, क्या नाम था आपका, तो आपका नाम था एच एस कामत, आप सभी लोगों को इनका नाम पता है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, चौथा नंबर वाला विकल्प क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बचा, महानिरीक्षक, तो निरीक्षक कौन है, निरीक्षक कौन है, बीपी दुबे है, निरीक्षक कौन है, बीपी दुबे है, मतलब ये वाला आंसर भी गलत हुआ, निदेशक कौन है, तो है ना दुबे, अच्छा देखिए एक मिनट रेज करते हैं थोड़ा सा इसको, पॉइंटर ऑप्शंस, रेज हाँ जी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीजी घाटे, ये निरीक्षण करने में घाटा लगा और निदेशक से बीपी दुबे, दासे दुबे, है ना, दासे क्या हो जाएगा, निदेशक दासे दुबे हो जाएगा। प्रथम महाधिवक्ता की अगर हम बात करते हैं, है ना, प्रथम महाधिवक्ता की अगर हम बात करते हैं तो महाधिवक्ता कौन है, श्री एम अधिकारी, ये है क्या, अगर देखा जाए प्रथम महाधिवक्ता, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरपी नरोन्हा की अगर बात करते हैं तो ये सेकंड मुख्य सचिव रहे हैं, क्या रहे हैं, ये सेकंड मुख्य सचिव रहे हैं, और आपके ही नाम पर आप देखते हो कि मध्य प्रदेश की, है ना, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एकेडमी का नाम पड़ा है आरसीपीवी नरोन्हा, क्या, आरसीपीवी नरोन्हा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, कल्याण सूती वस्त्र मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, बताइए कल्याण सूती वस्त्र मिल मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है, प्लीज कॉमेंट करिए और बताइएगा कि कल्याण सूती वस्त्र मिल कहां पर अवस्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1934-35 की, किसकी बात करते हैं, 1934-35 की, तो 1934-35 में कल्याण सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है, और कहां पर की गई है, कल्याण सूती वस्त्र मिल की स्थापना तो इंदौर में की गई है, कहां की गई है, कल्याण सूती वस्त्र मिल की स्थापना इंदौर में की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कल्याण सूती वस्त्र मिल की स्थापना इंदौर में करा दी गई, अगले देखते हैं। जैसे अगर बात करें एक और है वस्त्र मिल की, अगर हम बात करते हैं इसी प्रकार से, जैसे स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल, एक है स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल, कौन सी है, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल, क्या नाम है, कॉटन एंड
फ्लोर मिल, ठीक है, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल। तो ये जो स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल है, हम अगर इनकी बात करते हैं, ये कब, 1928 है ना, 1928 के आसपास इसकी स्थापना की गई, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल की, कहां पर, इंदौर में ही इसकी स्थापना की गई है। इसी प्रकार से कल्याण सूती वस्त्र मिल की स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर में ही की गई है। तो ये कुछ मिल है ना, जैसे मालवा मिल वगैरह आपकी आती है ना, उस प्रकार से कुछ मिल है, जैसे इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल की अगर बात करते हैं, ठीक है, इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, क्या नाम है इसका, इंदौर 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 मालवा मालवा यूनाइटेड मिल है ना, यूनाइटेड मिल, इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल, ये आपका 1906-07 में स्थापित की गई है। कहां पर, तो इंदौर में ही होगी, इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल है, इंदौर में ही। इसी प्रकार से हीरा मिल्स लिमिटेड है, एक और है, क्या नाम है इसका, हीरा मिल्स लिमिटेड, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हीरा मिल्स लिमिटेड। तो ये जो हीरा मिल्स लिमिटेड है ना, 34-35 में उज्जैन में स्थापित की गई, 1934-35 में कहां पर, उज्जैन शहर में स्थापित की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का हम प्रयास करते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन देखें, इसमें एक आध मिल और बता देते हैं, जैसे न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, क्या नाम है इसका, न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड, नाम है इसका टेक्सटाइल्स लिमिटेड, न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अब जैसे न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड है ना, 1938-39 में स्थापित की गई, कब स्थापित की गई, 1938-39 में, और कहां पर स्थापित की गई है, तो ये स्थापित की गई है आपकी भोपाल शहर के अंतर्गत स्थापित की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कल्याण सूती वस्त्र मिल कहाँ है, इंदौर में है, कल्याण सूती वस्त्र मिल कब स्थापित की गई है, ठीक है, तो ये आपका 34-35। इसी प्रकार से अगर हम देखो, जैसे सभी सभी जो वस्त्र मिल है ना, उनके सबके फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कल्याण सूती वस्त्र मिल 1934-35 में, ठीक है, फिर उसके बाद स्वदेशी कॉटन मिल, स्वदेशी कॉटन एंड फ्लोर मिल, ये 1928 में स्थापित की गई है, और पहली मिल की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल 1906-07 में इंदौर में स्थापित की गई है, इसी प्रकार से हीरा मिल्स लिमिटेड 1934-35 में स्थापित की गई है, एक और कौन सी, हीरा मिल्स लिमिटेड, तो हीरा मिल्स कौन सा, उज्जैन हो जाएगा। न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स लिमिटेड 38-39 में स्टैब्लिश की गई है, कहां पर, भोपाल में। तो इतने सारे फैक्ट्स हैं भाई, सारे फैक्ट्स याद रखना है आपको, सब कुछ एक बार तो देखना है एटलीस्ट, है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे हैं, ठीक है, बताइएगा, सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे हैं, जैसे हरि विनायक पाटस्कर है, सत्यनारायण सिन्हा है, भगवत दयाल शर्मा है यानी बीडी शर्मा, और फिर है कौन आपके, पट्टाभि सीतारामैया, ठीक है। तो इस प्रकार से चार चार विकल्प है आपके पास में, चारों विकल्पों को देखिए और देखकर सही उत्तर इसका बताइए, इसका सही उत्तर क्या बनेगा। सर्वाधिक बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं कौन है, जो 3 बार सर्वाधिक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आप 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, सर्वाधिक 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अगर हम बात करें बीडी शर्मा नाम है आपका, क्या नाम है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, हरियाणा के सीएम भी रहे हैं, ये फैक्ट भी याद रखिएगा, हरियाणा के सीएम रहे हैं, क्या रहे, हरियाणा के सीएम रहे, नाम है भगवत दयाल शर्मा, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे हैं, प्लस 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 याद रखना, आप उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है, प्लस आप उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं, क्या, उड़ीसा के राज्यपाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, सो प्लीज याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना, उड़ीसा के क्या रहे हैं आप, राज्यपाल भी रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना, रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में, नेक्स्ट, जिला योजना समिति की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पंचायती राज सिस्टम से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज सभी लोग याद रखिएगा, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखा 243 ZA है ना, तो नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन है, ZA आ गया, मतलब ये पंचायत तो बचा नहीं है ना, पंचायत तो बचा नहीं, तो नगर पालिका शुरू होता है, नगर पालिका का निर्वाचन की बात की जाती है ZA में, कहां पर, ZA में नगर पालिका के निर्वाचन की बात की जाती है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर हम ZB की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ZB है ना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, किसके लिए, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नगर पालिका के निर्वाचन का लागू होना। इसी प्रकार से ZC की बात करते हैं, तो कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, है ना, ये आता है। फिर C के बाद में अगर हम बात करते हैं D, तो ZD होता है जिला योजना समिति की स्थापना के लिए, ZD किसके लिए, जिला योजना समिति की स्थापना के लिए, और ZE है महानगर योजना के लिए समिति, किसके लिए है, महानगर योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति, किसके लिए, महानगर योजना के लिए, महानगर योजना के लिए समिति की बात करता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अलग अलग आर्टिकल्स हैं, ये तो जरूर याद रखना, ZD और ZE
ई है ना, जेड डी और जेड ई जरूर याद रखिएगा। जेड डी किसकी बात करता है? आपका महानगर मतलब जिला योजना समिति की, और जेड ई बात करता है महानगर योजना के लिए समिति की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक आयोजित होना अनिवार्य है? बताइए एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक आयोजित होना अनिवार्य है? प्लीज कमेंट करिए और आंसर बताइएगा। एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक आयोजित होना अनिवार्य है? ठीक है, चलिए कमेंट करते हैं और आंसर लगाते हैं सभी लोग इस पे। ठीक है, जल्दी जल्दी से। बताइए कितनी बैठक है ना, यहाँ पे जल्दी से लगाइएगा। जैसे एक कैलेंडर वर्ष की बात करें, नॉर्मली चैत्र वैसाख वाला नहीं लेना है, जो चलता है 1 जनवरी से 31 है ना दिसंबर तक का चलता है ना अपने यहाँ पे कैलेंडर वर्ष, यही ना माना जाता है दिसंबर है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का समय माना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है इसमें चार चार ग्राम सभाएं आयोजित कराई जानी चाहिए। कितनी? चार ग्राम सभाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चार ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित कराई जानी चाहिए। एक और बात है, दो ग्राम सभा के बीच की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। एक चीज और है कि दो ग्राम सभा के बीच की अवधि, ग्राम सभा के बीच की अवधि, दो ग्राम सभा के बीच की अवधि 3 माह से अधिक, 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2 ग्राम सभा के बीच की जो अवधि है 3 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम टोटल देखते हैं तो एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम 4 बैठकों का आयोजित होना बताया जाता है। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में 10:30 बजे, 10:30 बजे हमारी आयोग की क्लास होगी है ना, 10:30 बजे, 10:30 बजे हमारी यहाँ पर आयोग के एमसीक्यूज की क्लास होगी, आयोग की क्लास होगी। तो रात 10:30 बजे, आज रात 10:30 बजे है ना, इसी चैनल पे होगी हमारी आयोग की एमसीक्यूज की क्लास। तो अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।